जलंधर पुलिस ने आज फर्जी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ शिकंजा कसा। पुलिस पार्टी ने बस स्टैंड के पास कई जगह रेड की और बिना लाइसेंस के चल रहे कुछ दफ्तरों को बंद करवाया। इसके साथ ही टीम ने कई ट्रैवल एजेंटों के लाइसेंस भी चेक किए। पुलिस अफसरों ने बताया कि जलंधर में सैकड़ों की संख्या में ट्रैवल एजेंट्स के दफ्तर हैं, जिनके खिलाफ रोज़ाना ठगी की शिकायतें आती रहती हैं। इनमें से ज़्यादातर के पास लाइसेंस नहीं होते। इसके चलते आज टीम ने जगह जगह छापेमारी की। जलंधर पुलिस की तरफ से ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ जैसे ही छापेमारी की खबर फैली तो ट्रैवल एजेंटों में हड़बड़ी मच गई। जलंधर से रवि गिल और साहिल मल्होत्रा की रिपोर्ट। इलीगल ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ जी है एक मुहिम चलाएगी साढ़े कमिश्नर मानयोग कमिश्नर साहब मिस्टर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ते डीसीपी सर गुरमीत सिंह ते डीसी साहब वालों जिंदे असी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नाल लैके असी दुकाना चैक कर रहे हैं। इन असी चार पार्टियां बनाईया असी चार ACPs ते चार तहसीलदार साहबान जिहड़े दुकाना चैक कर रहे हैं, जिन्हां दे कोल भी कोई लाइसेंस या नहीं मिलिया या कोई ठग ट्रैवल एजेंट जिहड़े पाए गए उन्होंने खिलाफ जिहड़ा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ उन्हें कुछ राउंडअप किए उनकी डिटेल तुम्हें असं बाद शाम को दे देंगे। उन्हें असं करीब जी 18 to 20 जे चेक कर चुके हैं। उन्हें कुछ को लाइसेंस से बाकी को जिन्हों को नहीं है उन्होंने खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये असं जे सारे चेक कर रहे हैं, उन्हें एयर टिकटिंग आयल्स स्टडी वीज़ा या इमीग्रेसन का जो कोई भी जोड़ा काम करता ये सारे जोड़ा है पंजाब गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट है जिंद लाइसेंस लेना जरूरी है ताकि उनकी जी बैकग्राउंड वेरीफिकेशन हो के वो जो काम शुरू कर सके। जिंदे को लाइसेंस नहीं है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कई जो आईलेट्स वाले इमीग्रेशन का काम भी कर रहे हैं बस वो जो जो आईल्स वाले है जो कर रहे हैं जो उन्होंने खिलाफ़ सूँ कोई कंप्लेंट मिलती है तो उनके खिलाफ़ भी असं कानूनी कार्रवाई करा। जिहड़े जेकर यह जहाँ कोई हैगा जो रसीद नहीं दिता या इलीगल चला रहा तो पुलिस को इतलाह देन असं उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करा। इलीगल ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ जी है एक मुहिम चलाएगी साढ़े कमिश्नर माननीय कमिश्नर साहब मिस्टर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ते डीसीपी सर गुरमीत सिंह ते डीसी साहब वालों जिंदे असी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नाल लैके असी दुकाना चैक कर रहे हैं। ये असी चार पार्टियां बनाई असी चार ACPs ते चार तहसीलदार साहबान जिहड़े दुकाना चैक कर रहे हैं, जिन्हां दे कोल भी कोई लाइसेंस या नहीं मिलिया या कोई ठग ट्रैवल एजेंट जिहड़े पाए गए उन्होंने खिलाफ़ जिहड़ा कानूनी कार्रवाई की जाए। कोई राउंडअप भी किया? हाँ उन्हें कुछ राउंडअप किए उनकी डिटेल तुम्हें असं बाद शाम को दे दें। सर हूँ तक किन्ने रेड कर चुके हैं? वो असं करीब जी 18 to 20 जे चेक कर चुके हैं। उन्हें कुछ को लाइसेंस से बाकी को जिन्हों को नहीं है उन्होंने खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की। लाइसेंस सर्टिफिकेट चेक कर इमीग्रेशन कर रहे ये असं जे सारे चेक कर रहे हैं। उन्हें एयर टिकटिंग आयल्स स्टडी वीज़ा या इमीग्रेशन का जो कोई भी जोड़ा काम करता ये सारे जोड़ा है पंजाब गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट है जिंद लाइसेंस लेना जरूरी है ताकि उनकी जी बैकग्राउंड वेरीफिकेशन हो के वो जो काम शुरू कर सके। जिंदे को लाइसेंस नहीं है उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा रही। सर कई जो आईलेट्स वाले इमीग्रेशन का काम भी कर रहे हैं उन्होंने तो बस वो जो आईल्स वाले है जो कर रहे हैं जो उन्होंने खिलाफ़ सूँ कोई कंप्लेंट मिलती है तो उनके खिलाफ़ भी असं कानूनी कार्रवाई करा। सर एक देखा गया बच्चों जो पेमेंट वगैरह मिलते हैं रसीद नहीं दी जाती उन्होंने बारे जिहड़े जेकर यह जहाँ कोई हैगा जो रसीद नहीं दिता या इलीगल चला रहा तो पुलिस को इतलाह देन असं उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करा। अज साडे प्रशासन वालों एक बड़ा वधिया उपराला किया गया है जिहड़ा कि ट्रैवलिंग एजेंट लीगल काम करते हैं बिना कोई सर्टिफिकेट नहीं ऑथराइज्ड तो उन्होंने असी चैकिंग की सारे चार टीम बना के तो कि जिहड़े लोगों ठगिया होंदिया उन्होंने तो बचा सके। थैंक यू। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭਾਅ ਜੀ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸੂਗੇ? ਕਾਫੀ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਆਏ?
ਸਰ ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ ਰਹੀ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਕੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹਿਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਰਵੀ ਭਾਜੀ Thank you.